बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोहरान BSN। डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैरत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नर्सिंग कॉलेजेस में दाखिलों का आगाज़ हो चुका है। इसी तरह एक बहुत ही अहम कॉलेज जो कि फेडरल गवर्नमेंट पॉलीक्लिनिक इस्लामाबाद कॉलेज ऑफ नर्सिंग में भी दाखिलों का आगाज़ हो चुका है। ये कॉलेज पाकिस्तान नर्सिंग कौंसिल से रजिस्टर्ड है और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी से बाकायदा एफिलिएटेड है। तो इसमें एडमिशन के लिए आपको किसी किस्म की टेंशन नहीं होनी चाहिए। आप बिला झिझक बग़ैर किसी टेंशन के इसमें एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस कॉलेज में दाखिले के लिए आपको किस किस्म की तालीमी काबिलियत चाहिए होगी, कौन से उम्मीदवारान इसमें दाखिले के अहल है, इसके एज लिमिट क्या होगी और उनको माहाना कितना वजीफा मिलेगा और उनके अकोमोडेशन जो है वो कहाँ पे एडजस्ट होगी। तो ये सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको किसी किस्म के कंफ्यूजन ना हो। इसके अलावा अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बरवक्त पहुंच सके। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें एलोकेटेड सीट्स की तादाद कितनी है। इस कॉलेज में नर्सिंग के लिए एलोकेटेड सीट्स की तादाद 25 है। कौन से स्टूडेंट्स हैं वो इस कॉलेज में दाखिले के अहल है, उनके लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इसमें दाखिले के लिए ज़रूरी है कि आपने मैट्रिक साइंस के साथ किया हो और FSC प्री मेडिकल में कम से कम आपके 50% मार्क्स हो। इस कॉलेज में सिर्फ फीमेल स्टूडेंट्स जो है वो दाखिले के अहल है और उनके एज लिमिट जो है वो 16 से 35 ईयर्स तक होने चाहिए। और जो स्टूडेंट्स इस कॉलेज में एडमिशन के लिए सेलेक्ट हो जाएगी तो उनको 20,000 माहाना वजीफा दिया जाएगा और दाखिले के बाद या दाखिले के वक्त आपको एक एफिडेविट जो है वो साइन करके सबमिट कराना होगा। इसमें आप इस बात का अहद करेंगे कि अगर आप दौरानी ट्रेनिंग जो है वो ट्रेनिंग छोड़ते हैं तो आपको जितना भी मंथली वजीफा दिया जा रहा है या आप रिसीव कर चुके हैं वो सारे का सारा आप वापस करेंगे। और फीमेल स्टूडेंट्स के लिए अकोमोडेशन भी है जो कि उन्हें हॉस्पिटल के साथ अटैच हॉस्टल में रहने की फैसिलिटी दी जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दें और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।